झारखंड के जामताड़ा के सतसाल में हुए सड़क हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत के बाद बराड़ी के रौनिया गांव में गम का माहौल है। केटीएन न्यूज के सहयोगी नरेश चौधरी के अनुसार हादसे में शामिल 55 वर्ष विश्वनाथ मिश्रा का घर पैतृक गांव रौनिया पंचायत के वार्ड संख्या 5 में है। ग्रामीणों ने बताया कि विश्वनाथ मिश्रा काफी सरल स्वभाव के थे। पूरा परिवार छठ मनाने के लिए अपने गांव बराड़ी के रौनिया आ रहे थे। ये कल की घटना है, कल करीब 1 बजे की घटना है जो हुआ है। हमारे गांव के स्वर्गीय नागेंद्र मिश्र के पुत्र, द्वितीय पुत्र हैं वो, छोटे वाले बेटे विश्वनाथ मिश्रा, उनका उम्र लगभग 58 साल है। वो रिटायर फौजी हैं और अभी रेलवे में जॉब कर रहे थे पिछले 8 साल से। उसके बाद उनका एक बेटा है सुमित कुमार मिश्रा, वो भी वहीं धनबाद में रह के प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे थे। और कल छठ के लिए वो लोग निकले वहाँ से, तो सामने आ रही पिकअप उनके कार को इतनी ज़ोर से धक्का लगाए कि उसमें उपस्थित विश्वनाथ मिश्रा और उनके पुत्र और विश्वनाथ मिश्रा की पत्नी और उनके पुतहू, चारों का देहांत हो गया। 2 बच्चे हैं उनके छोटे छोटे, वो अभी सुरक्षित है। पूरा गांव में तो गम का सर। हाँ, पूरा गांव जो है इस घटना से बहुत ही आहत है, पूरा गमगीन है, पूरा गांव गम में डूबा हुआ है। बहुत ही दुखद घटना है। इस साल जो है 2020 का जो पूरा दुनिया में हो रहा है, उस हिसाब से इस गांव को भी समझिए बहुत बड़ा दुर्घटना और झेलना पड़ा है। आगे मेरा नाम रोशन कुमार हुआ, हम उनके पड़ोसी हैं इस गांव के। और कल छठ में मेरा भतीजा, मेरे भैया, उसकी वाइफ, बच्चे और सारे घर आ रहे थे छठ में। वही जामताड़ा के पास एक पिकअप वैन थी, वो रॉन्ग साइड से आके, अपने सही साइड में था, रॉन्ग साइड से आके कोलैप्स कर दी और उसी में भतीजे का और भैया का स्पॉट डेथ हो गया है। और वहाँ जामताड़ा हॉस्पिटल में ले गए हम लोग, लेकिन वहाँ जो तब तक भाभी का भी डेथ हो चुका था, सिर्फ मेरी जो पतोह हुई थी उसको धनबाद भेजा गया, लेकिन वो भी नहीं बच पाई। सिर्फ 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 4 साल की बच्ची है और 2 साल का बच्चा है। छठ पूजा मनाने के लिए, हाँ, छठ पूजा मनाने के लिए आ रहे थे लोग। यहाँ 4 लोग डेथ हुए, इसमें 6 लोग थे, इसमें 4 लोग डेथ हो गए, 2 बच्चे बचे हैं सर। क्या नौकरी? हाँ, रेलवे में थे भैया, रेलवे में थे, DRM ऑफिस में, धनबाद में पोस्टेड थे। भतीजा का अपना प्राइवेट बिजनेस था, वहीं धनबाद में ही करता था। कटिहार में मकान है हम लोगों का, यहाँ भी घर, पैतृक घर यही है। हाँ, हम उसके चाचा हुए, मतलब मेरा नाम विनोद कुमार मिश्रा है। हाँ मुखिया जी, बताइए, आपके गांव में मिश्रा परिवार जो धनबाद में नौकरी करते थे, परिवार के साथ आ रहे थे, सड़क हादसे में पूरा परिवार जो है वो मौत के आगोश में आ गया, गांव में किस तरह का? गांव में पूरा एकदम पूरा समाज दुखी है और पूरे समाज एकदम रो रहा है उसके लिए। किसी के घर में खाना नहीं बना हुआ, और ऐसा परिवार था कि यहाँ एक दुर्गा मंदिर बनाता था, सब परिवार लगे रहता था पूजा पाठ में। और ये कि यहाँ का बहुत बड़ा हस्ती था वो, और फौज से रिटायर हुआ था वो, धनबाद में प्राइवेट नौकरी करता था, और रास्ते में आने जाने में सामाजिक व्यक्ति थे। कौन सा पंचायत? रौनिया पंचायत। किस टोला में था? कुआरी टोला कहलाता है, वार्ड नंबर 5 है, और बढ़िया फैमिली था यहाँ के। पता चला कि यहाँ के जमींदार, पूर्व में जमींदार था उसका दादा, समाज को भी देखता था। पूरा पंचायत बुझिए दुखी है। क्या प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन इस दुख की घड़ी में मदद मिले तो और अच्छा है सरकार के द्वारा। अभी उनका शव यात्रा निकला क्या? नहीं, अभी नहीं निकला है, थोड़ा देर में निकले। किन-किन जा रहे हैं? कुछ परिवार आने वाला है। पूरा गांव शामिल होगा? पूरा गांव, हर जाति बिरादरी, छोटा बड़ा सब, हर जाति का आदमी है इसमें। दुख की घड़ी में उनके परिवार के प्रति आप क्या? हम लोग संवेदना करते हैं, दुख घड़ी में बेचारा का भगवान शांति रखे सब परिवार को। आपका पद नाम? शालिग्राम यादव, ग्राम पंचायत राजरौनिया के मुखिया।